अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक जो है वो शोरिंग से है। लास्ट वीक हमने टॉपिक जो कवर किया था वो फ्रेमवर्क और स्कैफोल्डिंग का था। हमने ये डिस्कस किया था कि हमने नेक्स्ट वीक जो है वो शोरिंग को पढ़ना है। तो शोरिंग की डेफिनेशन पे आ जाते हैं सबसे पहले कि शोरिंग क्या होती है। तो शोरिंग का मतलब है कोई ऐसा स्ट्रक्चर या ऐसा मेथड जो आप प्रोवाइड करते हैं टेम्परेरी सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए स्ट्रक्चर को। अगर आपका कोई अनसेफ स्ट्रक्चर है उसको जो आप टेम्परेरी सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे उसको हम शोरिंग कहेंगे। ठीक है, अनसेफ स्ट्रक्चर के लिए टेम्परेरी सपोर्ट को शोरिंग कहेंगे। इसकी टाइप्स को हम डिफरेंशिएट कर देते हैं डायरेक्शन के हिसाब से, कि जिस डायरेक्शन के अंदर हमने शोरिंग लगाई हुई है उसी हिसाब से हम इसकी टाइप्स डिफाइन कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल शोरिंग हम कह रहे हैं अगर हमने हॉरिजॉन्टल सपोर्ट दी हुई है, इसी को फ्लाइंग शोरिंग भी कहते हैं। उसके बाद हम वर्टिकल शोरिंग कह रहे हैं या डेड शोरिंग कह रहे हैं, जो हम वर्टिकल स्ट्रक्चर को सपोर्ट मतलब वर्टिकल एलिमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए यूज करेंगे। और इंक्लाइंड शोरिंग कह रहे हैं जो कि इंक्लाइंड सपोर्ट होगी खुद, ठीक है, उसी को हम रैकिंग शोरिंग भी कह रहे हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हॉरिजॉन्टल शोरिंग हमारे पास है कि हमारे पास दो वर्टिकल सपोर्ट्स हैं, दो वर्टिकल स्ट्रक्चर हैं, उनके दरम्यान हमने हॉरिजॉन्टल सपोर्ट दी है। ये जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट दी है इसके कुछ पार्ट्स जो हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो उसका हॉरिजॉन्टल स्ट्रट है। हॉरिजॉन्टल स्ट्रट जिसने इसको एक आपस में एक स्पेसिफिक फासले पर रखना है, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रट जो है ये अकेला कोई काम नहीं कर सकता जब तक उसके साथ ये वॉल प्लेट्स ना हो, ठीक है। ये वॉल प्लेट्स जो है ये उसको सेपरेट कर रही हैं इस हॉरिजॉन्टल स्ट्रट के साथ। उसके साथ हमने ये वेजेस दिए हैं जिनको हम स्ट्रट वेज कह रहे हैं, ठीक है। ये वेजेस हमने प्रोवाइड किए हैं और ये नीडल्स हमने प्रोवाइड की हैं। जो कोई भी शोरिंग की टेक्निक है उसके अंदर ये जो प्लेट के साथ आप वॉल के अंदर जो ये पीस आप प्रोवाइड करेंगे ना, इसको हम नीडल कहेंगे, ठीक है। और नीडल के ऊपर हमने ये क्लीट प्रोवाइड की है। इस क्लीट की डिटेल हम ये शोरिंग के एंड में देख लेते हैं कि ये क्लीट किस तरह से प्रोवाइड की जाती है। ये इसको यहाँ पे फिक्स करने के लिए आप समझ लें लॉक प्रोवाइड किया गया, ठीक है। तो ये नीडल और ये क्लीट प्रोवाइड करके हमने ये वेज प्रोवाइड किया और ये हमने हॉरिजॉन्टल स्ट्रट प्रोवाइड किया। साथ में हमने स्ट्रेनिंग बीम्स ऐड कर दी हैं। तो ये हमारी जो शोरिंग है, ये स्ट्रेनिंग बीम्स आपने वेजेस को अपनी प्लेस में रखने के लिए, वेजेस को अपनी जगह पर रखने के लिए हमने वो प्रोवाइड किए हैं। तो इस तरह से हमने दो हॉरिजॉन्टल सॉरी दो वर्टिकल वॉल्स को हॉरिजॉन्टल सपोर्ट से सपोर्ट दी हुई है, ठीक है। तो दो वर्टिकल वॉल्स को या दो वर्टिकल एलिमेंट्स को हमने हॉरिजॉन्टल सपोर्ट जो भी प्रोवाइड की है, वो वॉल जरूरी नहीं है, ये कॉलम भी हो सकता है। अगर हमने जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट हमने प्रोवाइड की है, ये जो आपकी ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये हॉरिजॉन्टल शोरिंग है। उसी के बाद ये उसकी कंप्लीट डिटेल्स हैं हॉरिजॉन्टल शोरिंग की, उसने डायमेंशंस के साथ इसके अंदर डिटेल्स बताई हुई है। लेकिन ये सिंगल फ्लाइंग शोरिंग की टाइप इसको कहेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे एक बीम यूज किया है, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्ट यूज किया है, तो इसलिए इसको हम सिंगल हॉरिजॉन्टल सॉरी सिंगल फ्लाइंग शोरिंग कह लें या सिंगल हॉरिजॉन्टल शोरिंग कह लें, ठीक है। तो इसके अंदर ये जो आपकी तकरीबन वेजेस की डायमेंशन और ये चीजें तकरीबन फिक्स रहती हैं, सिर्फ ये आपकी जो डायमेंशन चेंज होनी है वो इस बीम की चेंज होनी है जो आपने स्ट्रट प्रोवाइड किया, जो कि डिफाइन कर रहा है कि आपस में उनका फासला कितना। बाकी चीजों की डायमेंशन तकरीबन ये स्टैंडर्ड आपको दिया हुआ है, टिपिकल जो सिंगल फ्लाइंग शोरिंग है उसकी ये डायग्राम है। उसके बाद देख लेते हैं इसकी डबल फ्लाइंग शोरिंग, ठीक है। डबल हॉरिजॉन्टल शोरिंग, अगर आपने डबल हॉरिजॉन्टल शोरिंग प्रोवाइड करनी है तो उस केस में सिर्फ हमें डबल स्ट्रट्स ही प्रोवाइड नहीं करने, उसके दरमियान में ब्रेसिंग भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। ये जो आप लोगों ने साथ में प्रोवाइड की है ये ब्रेसिंग है। ये इंक्लाइंड जो एलिमेंट्स होते हैं इन दो वर्टिकल स्ट्रट्स दो हॉरिजॉन्टल स्ट्रट्स के दरमियान, इसको हम ब्रेसिंग कह रहे हैं। और ये जो आप लोगों के पास इसके अंदर वर्टिकल एलिमेंट है, ये जो वर्टिकल एलिमेंट है ये स्टड कहलाएगा, ठीक है। ये स्टड या पोस्ट कहलाएगा। पोस्ट उसी तरह जैसे आप उसमें प्रोवाइड करते थे स्कैफोल्डिंग में, उसको भी हम पोस्ट कहते थे वर्टिकल एलिमेंट को, इसी तरह इसके अंदर भी वर्टिकल एलिमेंट को हम पोस्ट कहेंगे। यहाँ से एक चीज और मेरे जहन में आई कि ये जो क्लीट है जिसको हम यहाँ पे क्लीट कह रहे हैं, उस तरह है हम फ्रेमवर्क ऑफ स्कैफोल्डिंग में लेज कह रहे थे, लेजर कह रहे थे, तो उसी तरह हमने इसको क्लीट कह दिया, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे, ये पोस्ट हो गई, ये डबल फ्लाइंग शोरिंग की डायग्राम आपके सामने आ गई। उसके बाद आ जाते हैं वर्टिकल शोरिंग के ऊपर।
तो वर्टिकल शोरिंग, अगर आपको वॉल को सपोर्ट प्रोवाइड करना है, वर्टिकली आपके पास सपोर्ट है, मतलब वर्टिकली आपके पास ग्राउंड स्टेबल है, आपके पास कोई हॉरिजॉन्टल और जगह नहीं है जिससे आप सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये सिंगल वॉल है, इसके साथ हमारे पास कोई भी साथ करीब दूसरी वॉल नहीं है जिससे हम हॉरिजॉन्टल सपोर्ट प्रोवाइड कर सके, तो हमें इसको वर्टिकली सपोर्ट करना पड़ेगा। ये इसी वॉल की एक साइड से पिक्चर है और ये उसकी फ्रंट फेस है। आप ये समझ लें कि ये फ्रंट फेस है और ये उसकी साइड पोज है, ठीक है? ये एक ही डायग्राम है, ये फ्रंट फेस है और ये उसका साइड पोज है। तो इसके अंदर हमारे पास क्या चीज सबसे ज्यादा जो जरूरी है, वो आपकी ये जो जिसको हम पोस्ट कह रहे थे हॉरिजॉन्टल शोरिंग के केस में, इसके अंदर ये डेड शोर्स हम कहलाएंगे, ठीक है? ये डेड शोर्स है, ठीक है? इसको हम यहां से लेके चलते हैं कि सबसे पहले आपने नीचे सोल प्लेट प्रोवाइड की है, जो आपको इस फ्रंट वाली डायग्राम में यहां पे नजर आ रही है, और यहां पे ये सोल प्लेट है, ठीक है? उसके बाद आपने इसके ऊपर आपने ये वेजेस प्रोवाइड की है, उसी तरह जिस तरह हम स्कैफोल्डिंग में प्रोवाइड करते थे या फ्रेमवर्क में प्रोवाइड करते थे, दो वेजेस हम आपस में इस तरह से स्लाइड कर देते थे उनको अपनी जगह पर टाइट करने के लिए, ठीक है? ये वेजेस के ऊपर हमने डेड शोर्स प्रोवाइड किए, ये जो वर्टिकल हैं ये डेड शोर्स हैं, और इसको हमने नीडल के साथ जो है वो वॉल के अंदर इंसर्ट कर दिया, ये नीडल के साथ हमने वॉल के अंदर इंसर्ट कर दिया, ठीक है? ये बिल्डिंग मतलब वॉल को सपोर्ट करने के लिए यूज होता है। इसके अलावा ये वॉल को रीबिल्ड करने के लिए भी यूज होगा, जैसे स्कैफोल्डिंग हमें लगानी पड़ेगी वॉल को रीबिल्ड करने के लिए, तो अगर हम वॉल को रीबिल्ड करने के लिए साथ में सपोर्ट दे के स्कैफोल्डिंग लगा रहे हैं, मतलब खाली अगर आप लोगों को वॉल को रीबिल्ड करने के लिए सपोर्ट रिक्वायर्ड नहीं है, तो उस केस में हमें सिंपल स्कैफोल्डिंग लगानी पड़ेगी और हम वॉल को रीबिल्ड कर लेंगे। लेकिन अगर वो वॉल जो है रीबिल्ड करने के लिए उसको सपोर्ट प्रोवाइड करना जरूरी है, वरना वो वॉल गिर जाएगी, तो फिर हमें वर्टिकल शोरिंग प्रोवाइड करने पड़ेगी, तो ही हम वॉल को रीबिल्ड कर सकते हैं। उसके बाद ये वर्टिकल शोरिंग की एक और डायग्राम के, अगर आपके पास ये सिंपल उसने एक्सप्लेन किया कि बाहर जो है ये लेवल जो है एक इनसाइड कह लें या आउटसाइड कह लें, एक साइड पे लेवल ऊंचा है एक साइड पे लेवल नीचा है, तो उस केस के अंदर वर्टिकल शोरिंग किस तरह से प्रोवाइड की जाएगी। और ये आप लोग देखते हैं, ये फर्स्ट फ्लोर है, ये एक फ्लोर है, ये दूसरा फ्लोर है, ये तीसरा फ्लोर है, दो तीन चार फ्लोर्स के ऊपर भी हम ये वर्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। अब हमें या इस केस के अंदर हमें यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड करनी थी, तो हमने इस तरह से ये फ्रेम बना के यहाँ पे हमने सपोर्ट प्रोवाइड की है। लेकिन ये जो शोरिंग की टेक्निक्स हैं, ये बहुत वर्टिकल शोरिंग की टेक्निक, और ये बहुत हम रेयरली यूज करना चाहेंगे, क्योंकि हमें इसके लिए कई दफा स्ट्रक्चर को डैमेज करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे आप यहाँ देख रहे हैं, ये जो है स्ट्रक्चर को डैमेज करके हमें हो सकता है कि यहाँ पे ये पोस्ट लगानी पड़े, तो बहुत सारे केसेस के अंदर हमें स्ट्रक्चर को डैमेज भी करना पड़ता है ये शोरिंग प्रोवाइड करने के लिए। लेकिन हमें ऑलरेडी हम अनसेफ स्ट्रक्चर को ही सेफ्टी की तरफ लेके जा रहे हैं, तो जाहिर है हमें कुछ ना कुछ उसके अंदर चेंजेस लानी पड़ेंगी, तभी हम एक अनसेफ स्ट्रक्चर को सेफ बना सकेंगे। जाहिर है कि ये उसी वक्त कंडीशन जाएंगी जब के आइडियल कंडीशन नहीं होगी, नॉन आइडियल कंडीशन में ही हमें जाहिर है कि सेफ्टी की जरूरत है या सेफ प्रोवाइड करने की जरूरत है। उसके बाद आते हैं इनक्लाइंड शोरिंग के ऊपर। तो इनक्लाइंड शोरिंग आपकी इस तरह से है कि ये आप लोगों के पास वॉल है और इसके साथ हमने ये इनक्लाइंड जो है ना रैकर्स प्रोवाइड किए हैं। ये इनक्लाइंड रैकर्स जो है ये इसको सपोर्ट दे रहे हैं। ये इनक्लाइंड रैकर्स को भी हम यहाँ से लेके चलते हैं। सबसे पहले हमने नीचे सोल प्लेट दी है, जैसे हमने वर्टिकल शोरिंग में बेस प्लेट दी थी या सोल प्लेट दी थी, ठीक है? ये सोल प्लेट दी है, इसके ऊपर हमने ये रैकर्स प्रोवाइड किए हैं, और इन रैकर्स को हमने ब्रेसिंग प्रोवाइड की हुई है यहाँ पे, ठीक है? ये ब्रेसिंग हमने प्रोवाइड की, और फिर यहाँ पे भी हमें क्लीट नीडल प्रोवाइड करनी पड़ी, यहाँ पे एक नीडल और इसके साथ क्लीट, यहाँ ये नीडल और क्लीट, ये नीडल और क्लीट, और फिर यहाँ पे भी हमारे पास एक क्लीट हमें प्रोवाइड करनी पड़ी ताकि इसको लॉक करने के लिए, यहाँ पे ये वॉल्स को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए यूज होता है, ठीक है? ये डायग्राम जो है ये इतनी अच्छी तरह एक्सप्लेन नहीं कर रही, नेक्स्ट डायग्राम आपको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर रही है। देखें आगे पास ये जो है, आप देखें एक दो फ्लोर्स के लिए आपने जो शोरिंग इनक्लाइंट शोरिंग प्रोवाइड करनी है, और ये आपके पास तीन फ्लोर्स के लिए इनक्लाइंट शोरिंग अगर आपने प्रोवाइड करनी है। और आमतौर पर हम ये इस तरह से एक्सकेवेशन करके उसकी प्रॉपर बेस बनाते हैं, ताकि हम उस एंगल के ऊपर शोरिंग प्रोवाइड कर सकें जिस एंगल के ऊपर हमें सपोर्ट रिक्वायर्ड है, या बेस्ट एंगल हम परफॉर्म कर सकें। यहाँ पे वो एंगल्स ही डिस्कस किए हुए हैं कि अगर आपके टॉप शोर और ग्राउंड लेवल के दरमियान 60 to 75 एंगल रखेंगे, या टॉप शोर 87 से 89 तक एंगल रखेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं अनसिमेट्रिकल शोरिंग के ऊपर।
ये आप जो है हॉरिजॉन्टल सपोर्ट के साथ हमें अनसिमेट्रिकली भी कई दफा इंक्लाइंट शोरिंग प्रोवाइड करनी पड़ती है, उस केस में हमारे पास ये सिनेरियो होगा। इस तरह से हम मुख्तलिफ जो भी वहां पे फिजिबल कंडीशन होगी उस तरह से हम प्रोवाइड कर सकते हैं। इस केस के अंदर भी हमारे पास ये स्ट्रट है या ट्रैकर है, उसके बाद हमारे पास क्लीट है, नीडल है और ये बाइंडिंग है जो हमें उसको दरमियान में आपस में जोड़ के रख रहा है इन सारे को। और फिर जैसे हमने पीछे देखा, मैंने आपको बताया कि हमने क्लीट जो प्रोवाइड किया है, इस क्लीट का डिटेल्स यहाँ पे गिवन है कि ये सिंपल आपने रैकर या जो भी आपका स्टट या जो भी चीज़ आप प्रोवाइड कर रहे हैं ये वो यहाँ पे आके इसके साथ मीट कर रहा है। उसके ऊपर आपने ये एक क्लीट प्रोवाइड किया है, ये जो टॉप के ऊपर है जो लॉक आपको कर रहा है, और उसके नीचे आपने नीडल प्रोवाइड की है। तो ये नीडल आपने इसके अंदर इंसर्ट कर दी, ये क्लीट आपने पहले इंसर्ट कर दिया, तो ये आपका लॉक हो गया। यहाँ पे नीचे से ये रैकर आ गया, तो ये आपका कंप्लीट लॉक है, ये उसकी कंप्लीट डिटेल्स हैं और ये उसकी डायमेंशंस के साथ गिवन है। उसके बाद ये फिर वही डायग्राम है और इसके अंदर उसी को दोबारा से एक्सप्लेन किया गया है कि ये नीडल है, ये क्लीट आपने प्रोवाइड किया है और ये आप लोगों का रैकर है। लेकिन इस केस में आपको ये चीज बताना है, मकसद था कि आप लोगों का ये जो रैकर है इसका एंगल वो यहाँ पे आना बेस्ट है, ठीक है। आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि आप लोगों का ये जो रैकर है इसका एंगल यहाँ पे, ये रैकर जो है ये इसकी सेंटर लाइन है, ठीक है, ये सी एल लिखा हुआ है, ये सेंटर लाइन है, ठीक है। ये जो इसके रैकर की सेंटर लाइन है ये बिल्कुल स्ट्रेट जो है ये यहाँ पे मीट करनी चाहिए, जहाँ पे ये वॉल की सेंटर लाइन आ रही है और ये फ्लोर की सेंटर लाइन आ रही है। ये बड़ा ही जरूरी होगा अगर आप वॉल को बेहतरीन तरीके से सपोर्ट करना चाहते हैं, और अगर आपकी वॉल जो है और आपका फ्लोर जो है वो आपस में इंटरलॉक नहीं है बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। अब दूसरे केस के अंदर हमारे पास ये है कि अगर हमारी वॉल जो है वो ऑलरेडी हमारी जो फ्लोर है या जो स्लैब है वो ऑलरेडी वॉल के अंदर आ रही है और हमने यहाँ पे एक प्लेट भी प्रोवाइड की हुई है, तो उस केस के अंदर हमारा ये जो रैकर है इसकी सेंटर लाइन जो है वो यहाँ पे मीट करनी चाहिए इसकी बेस के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे आप सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ये आप लोगों ने दोनों केसेस देख लेने हैं कि स्लैब जो है या फ्लोर जो है वो वॉल के अंदर बाइंड हुआ हुआ है, मतलब वॉल के अंदर भी मौजूद है या फिर आपके पास वॉल के अंदर मौजूद नहीं है। इस केस में हमें ये प्रोवाइड करना पड़ेगा एंगल और इस केस में हमें ये एंगल प्रोवाइड करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें मीट करवाना बड़ा जरूरी होगा, तब ये बेहतरीन जो है या कंप्लीटली आपको तभी सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। और यही आप ये समझ लें कि 100% आपने मेक श्योर करना है कि ये यहाँ पे आए ताकि आपका जो बेस्ट एंगल है वो आपको मिले सेफ्टी के लिए, ठीक है। ये उसी की डायग्राम को दोबारा से हमने एक्सप्लेन किया कि ये देखें, ये आप लोगों ने फोर फ्लोर्स के ऊपर अगर रैकिंग इंक्लाइंट रैकिंग प्रोवाइड करनी है तो उस केस में आप देखें ये पहला फ्लोर था, ये स्लैब जो है ये इंसर्टेड थी, तो हमने क्या किया कि ये बिल्कुल यहाँ पे इसके उसके नीचे जो है यहाँ पे जहाँ पे ये मीट कर रहा है वहां पे एंगल है एग्जैक्टली, ठीक है। इसी तरह ये उससे ऊपर वाला फ्लोर है, फिर उससे नेक्स्ट फ्लोर के ऊपर देखें आप जो उसकी बेस प्लेट है जो आपने प्लेट नीचे प्रोवाइड की है बिल्कुल एग्जैक्टली उसके नीचे जाके ये मीट कर रहा है। इस तरह ये उससे ऊपर है वो भी आपने प्लेट प्रोवाइड की है, उस केस में भी ये बिल्कुल नीचे जाके उस पर ज्वाइन कर रहा है। तो आपने इस तरह से अगर आपको प्रोवाइड करना पड़े तो इस तरह से प्रोवाइड करना है। उसके अंदर ये देख लीजिएगा कि कई दफा हमें ये फोल्डिंग वेज भी देना पड़ता है, अगर हम इतने सारे जो हम रैकर्स हैं वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, हमें यहाँ पे बेस प्लेट बहुत बड़ी बनानी पड़ रही है और वो फिजिबल नहीं होगी, तो हमें फिर इस एक सर्टन लिमिट से ज्यादा, आमतौर पे 3 से ज्यादा भी अगर आप चले जाएंगे तो आप फोल्डिंग वेज प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ये फोल्डिंग वेज जो है इस एंगल को फिर इस एंगल पे कन्वर्ट कर देगा, ये दोनों सपोर्टेड हो जाएंगे, दोनों एक यहाँ पे एक लाइन के अंदर एक्ट कर रहे होंगे तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रहे होंगे, लेकिन ये एरिया जो है ये थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाएगा इस केस के अंदर, ठीक है। तो ये आपने को फोल्डिंग एज भी कई दफा प्रोवाइड करना पड़ता है, और फिर वही इसके अंदर जो डायमेंशन है वो सारी वही हैं जो पीछे आप लोग डिटेल में देख चुके हैं। उसके बाद आ जाते हैं अंडरपिनिंग के ऊपर। अंडरपिनिंग भी सपोर्ट प्रोवाइड करने का ही एक तरीका, लेकिन ये आपकी सपोर्ट है फाउंडेशन के अंदर। अगर आपको स्ट्रक्चर की फाउंडेशन के वो सपोर्ट करने की जरूरत है, स्ट्रक्चर सेटल हो रहा है, अब हमें स्ट्रक्चर की जो फाउंडेशन है उसको सपोर्ट करने की जरूरत पड़ रही है, या स्ट्रक्चर किसी वजह से हमें डर है कि ये गिर जाएगा, इसकी जो फाउंडेशन है ये कमजोर हो रही है, या फाउंडेशन के अंदर कोई चीज दीमक वगैरह की वजह से फाउंडेशन खाई गई है, अब आप लोगों को फाउंडेशन रीबिल्ड करनी पड़ रही है,
या तो आपको सपोर्ट देनी पड़ रही है, तो उस केस में हमें अंडरपिनिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, द मटेरियल और कंस्ट्रक्शन यूज टू सपोर्ट अ स्ट्रक्चर सच एज फाउंडेशन, उसने बता दिया। उसके दो मेथड हो सकते हैं, एक मेथड है पिट मेथड और एक है पाइल मेथड। तो आप लोगों के पास जो पिट मेथड है वो ये कह रहा है कि हमने सिंपली ये करना है कि ये देखें आपके पास ये आपने प्लेट प्रोवाइड की, उसके ऊपर आपने सपोर्ट दी, ये स्टील बीम आपने प्लेस किया और ये इसके ऊपर आपकी वॉल रेस्ट कर रही है और ये वॉल जहां पे रेस्ट कर रही है उसके नीचे आपने बेरिंग प्लेट भी देनी है। ठीक है, यहाँ पे आपने दोनों साइडों पे सपोर्ट दी और आपने जैक भी प्रोवाइड कर दिया ताकि अगर आप इसको थोड़ा सा सपोर्ट को उठाना चाह रहे हैं तो उस तरह जैक भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। आपने सिंपली इस तरह से ये जो आपका स्ट्रक्चर है, ये आपका स्ट्रक्चर जो है ये इसको सपोर्ट कर रहा है वॉल को। अब हमने इसके नीचे ये जो फाउंडेशन है ये वीक है, इसको हमें बेहतर बनाना है। हमने क्या किया, यहाँ पे एक्सकेवेशन की, फर्दर इस तरह से एक्सप्लोरेशन की और ये साइडों पे हमने इसको सपोर्ट प्रोवाइड की हुई है। यहाँ पे टिम्बर की सपोर्ट है तो उसने इसको टिम्बरिंग कहा हुआ। ठीक है, तो ये आपने टिम्बर की सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड की, आपने एक्सकेवेशन की। जाहिर है जब भी आप एक्सकेवेशन करेंगे तो हमें अगर एक सर्टन लेवल से ज्यादा एक्सकेवेशन कर लिया तो हमें साइडों पे सपोर्ट्स की जरूरत पड़ेगी। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं कि ये जो आपकी सपोर्ट है ये सेटल हो रही थी, अब हमें क्या करना पड़ा कि हमें इसके नीचे एक्सकेवेट करना पड़ा, फाउंडेशन के नीचे जाके एक्सकेवेशन करनी पड़ी और यहाँ पे जाके हमें नई फाउंडेशन बनानी पड़ी। ठीक है, यहाँ पे हमने नया जो है पीसीसी ले की है, उसके ऊपर हमने नई फाउंडेशन बनाई है। अब कई दफा ऐसा होगा आपके पास कि आप लोगों को ये जो सपोर्ट है इसको रीइंफोर्स भी करना पड़ेगा। आमतौर पर हमें ये करना पड़ सकता है कि इस पीसीसी को या इस स्ट्रक्चर को और इस स्ट्रक्चर को आपस में बाइंड करने के लिए, आपस में ज्वाइन करने के लिए हमें इनको रीइंफोर्समेंट के साथ ज्वाइन करना पड़े, तब ये आपस में अच्छी तरह ज्वाइन हो और ये रिकमेंडेड भी होगा कि आप रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करें। लेकिन अगर आपका ये बहुत ही कम है गैप और आपको इतनी ज़्यादा जो है वो बाइंड करने की जरूरत नहीं पेश आ रही, सिंपली आपने नीचे कंक्रीट कर दिया, तो उस केस में आप स्टील बार के बगैर भी इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी पाइल मेथड। इसका तो पाइल मेथड ये सपोर्ट के लिए भी यूज होता है और नई कंस्ट्रक्शन में भी हम यूज करते हैं। अगर आपके पास बहुत बड़ी फाउंडेशन आप ले कर रहे हैं या एक पियर आपने या आपका कॉलम आपने ऐसी जगह प्लेस किया है जिसकी जिसके ऊपर बहुत ज्यादा लोड आना है, मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करूं आपकी ऑरेंज लाइन ट्रेन की लाहौर में, तो उस केस के अंदर जो उसके पियर्स हैं उनके नीचे क्योंकि उनके ऊपर काफी लोड आना है तो हमें उनके पियर्स के नीचे पाइल कैप प्रोवाइड करके पाइल्स देनी पड़ रही हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कि मेथड आपको नई कंस्ट्रक्शन में भी हम यूज करते हैं और पुरानी कंस्ट्रक्शन को सपोर्ट करने के लिए भी। मिसाल के तौर पे हमारी ये फाउंडेशन वीक थी, हमने उसी तरह ऊपर से सपोर्ट दे लिया, उसके बाद हमने नीचे एक्सकेवेशन की और यहाँ पे हमने बेहतरीन मेथड ये अप्लाई किया कि यहाँ पे हमने पाइल दी। ठीक है, हम आमतौर पर यहाँ तक एक्सकेवेट करके भी पाइल दे देते हैं। आमतौर पर हम ये करेंगे कि यहाँ तक एक्सकेवेट करेंगे, ये इससे ज़्यादा नीचे एक्सकेवेट करने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपने यहाँ तक एक्सकेवेट किया, उसके बाद फिर आपने बोर होल करने हैं, ये इन इन जगहों पे हमने बोर होल किए। ठीक है, इन जगहों पे बोर होल करने के बाद इसके अंदर कंक्रीटिंग कर दी। ये पाइल जो है ये हमें देखना पड़ेगा कि हमें रीइंफोर्स्ड पाइल देनी पड़ रही है या नॉन रीइंफोर्स्ड। आमतौर पर ये रीइंफोर्स्ड पाइल ही आप देंगे। ठीक है, ये रीइंफोर्समेंट के साथ आपने यहाँ पे स्टील केज इंसर्ट कर दिया और उसके बाद आपने रीइंफोर्स्ड पाइल प्रोवाइड कर दी, उसके ऊपर कंक्रीट कर दिया और उसके बाद हमने इसको पाइल कैप दे दिया। पाइल कैप इसलिए दे दिया ताकि ये सारी जो पाइल्स हैं जो नीचे हमने प्रोवाइड की है फाउंडेशन, ये सारी आपस में ऊपर ज्वाइन कर जाएं, ज्वाइन करके एज वन मेंबर एक्ट करें तो हमारे स्ट्रक्चर को ये सपोर्ट करें। उसके बाद ये पाइल मेथड और हमारा जो पिट मेथड है ये कंप्लीट हो गया, तो हमारा अंडरपिनिंग का टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। इन टॉपिक से रिलेटेड कुछ और डायग्राम्स हैं जो आप लोगों के इसके इस फ्रेमवर्क स्कैफोल्डिंग और इन चीज़ों में तो शामिल नहीं होती, लेकिन आप लोगों को ये ज़रूरी पता होनी चाहिए और देख लें कि जैसे कि हमारे पास अगर वर्टिकल वॉल है तो उसका सबसे आसान जो तरीका है वर्टिकल रीइंफोर्स्ड वॉल को ले करने का ये है, ये फ्रेमवर्क हम प्रोवाइड करते हैं वर्टिकल रीइंफोर्स्ड कंक्रीट वॉल के लिए, क्योंकि कंक्रीट वॉल्स हमारे यहाँ पे बहुत कम बिल्ट होती हैं, तो मैं इसलिए आपको ये डायग्राम दिखा रहा हूँ। ये वर्टिकल वॉल्स के लिए एक तरीकाकार है उसको प्रोवाइड करने का, उसका जो फ्रेमवर्क है वो। उसके बाद ये हमारे पास किकर है, किकर या स्टार्टर।
जब हम कंस्ट्रक्शन आप देखें करते हैं, उस आपने ये बहुत ज्यादा कॉमनली देखे होंगे, कंस्ट्रक्शन किसी पॉइंट पे आप रोक देते हैं, लेकिन आपका प्लान है इससे भी ऊपर कंस्ट्रक्ट करने का। आपने 3 फ्लोर, 4 फ्लोर, 10 फ्लोर कंस्ट्रक्ट कर लिए हैं, उसके बाद हमारा प्लान है कि हमने इससे ऊपर कंटिन्यू करनी है हमारी कंस्ट्रक्शन। तो उस केस में अगर हमें कंटिन्यू करनी है कंस्ट्रक्शन, तो हम बिल्कुल क्लोज नहीं कर सकते ऊपर। अगर हम जो हमारे आमतौर पर फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर है, तो कॉलम्स आ रहे हैं, तो कॉलम्स को हम बिल्कुल ऊपर से क्लोज तो नहीं कर सकते, हमें उसको कंटिन्यू करना होता है ऊपर तक। तो हमें उसको जब कंटिन्यू करना होता है, तो हम आमतौर पे ये किकर इस तरह से प्रोवाइड करते हैं, या इसको हम किकर भी कहते हैं और स्टार्टर भी कहते हैं। ठीक है, ये किकर इस तरह से प्रोवाइड करते हैं कि ये रूफ की जो फिनिश लेवल है उससे ऊपर ये आना चाहिए, आपके पास ये एक बेस बन जानी चाहिए। ठीक है, इसको हम, इस जो बेस है इसको हम किकर कहेंगे, और ये जो आप लोगों के पास बार्स हैं इसको हम स्टार्टर कहेंगे। ठीक है, ये बार्स नेक्स्ट आपका जो कंस्ट्रक्शन है, या दोबारा अगर कॉलम उसके ऊपर लेके जाना है तो उसके लिए स्टार्ट करने के लिए है, इसलिए इसको हम स्टार्टर कह रहे हैं और ये आपका किकर है। ठीक है, तो ये भी पता होना बड़ा जरूरी है। उसके बाद इन्वर्टेड बीम्स, इन्वर्टेड बीम्स भी हमारे आम तौर पे बहुत ज्यादा यूज होते हैं, घरों के कंस्ट्रक्शन में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों को लगता होगा कि जो हमने सबसे ज्यादा कॉमनली देखे हैं वो बीम्स इस तरह से होते हैं कि अगर ये स्लैब है तो इसके नीचे आपको बीम नजर आ रहा होता है। ठीक है, आमतौर पे आपके यूनिवर्सिटी के अंदर भी जो कंस्ट्रक्शन हुई है उसके अंदर आपने जनरल देखा होगा कि ये जो आपकी स्लैब है, स्लैब के नीचे बीम जो है वो नजर आ रहा होता है, इसको हम ड्रॉप बीम भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत दफा ऐसा होगा कि आर्किटेक्चरल पर्पस के लिए, या आप लोगों के पास नीचे फ्लोर हाइट की लिमिट होगी, जिसकी वजह से हमें बीम अपवर्ड्स प्रोवाइड करना पड़ेगा, स्लैब के ऊपर बीम हमें निकालना पड़ेगा। इस केस में हमें बीम की डेप्थ जो है वो अचीव हो रही है, तो वो बीम उतना जो लोड है वो बियर कर जाएगा हमें, क्योंकि एक सर्टन लोड बियर करने के लिए एक सर्टन डेप्थ चाहिए बीम की। तो वो डेप्थ अब हम क्योंकि नीचे नहीं प्रोवाइड कर सकते, तो हम वो अपवर्ड्स प्रोवाइड कर देंगे। तो इस केस में हम इसको इन्वर्टेड बीम कहेंगे। ठीक है, ये इन्वर्टेड बीम बहुत कॉमनली यूज होता है। उसके बाद ये लास्ट चीज है कि आप लोगों को पोरिंग करने के लिए, कंक्रीट को पोर करने के लिए आजकल बहुत ज्यादा कॉमनली है, जब लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन जहां पे भी हो रही होगी वहां पे जो कंक्रीट मिक्स है वो बैचिंग प्लांट के थ्रू हो रहा होगा, या कंक्रीट मिक्स जो है वहां पे रेडी मिक्स लेके आया जा रहा होगा बैचिंग प्लांट से। तो हमें अगर बैचिंग प्लांट से आ रहा है, या बैचिंग प्लांट से ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, या बैचिंग प्लांट साइट पर लगा हुआ, उसको हमें ट्रांसपोर्ट करने के लिए साइट पे कोई चीज प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे ये मिक्सर जो है ये आप लोगों को इस तरह से कंक्रीट पोर करने के लिए प्रोवाइड कर रहा है, इसी तरह ये ट्रे जो है, ये कन्वेयर आप कह लें, ये ट्रे कह लें, ये इस तरह से बैचिंग प्लांट से भी डायरेक्ट यूज हो जाती है। उसके अलावा हम पंप्स यूज करते हैं, ये जो डायग्राम है ये आपको पंप जब हम करते हैं तो पंपिंग के लिए ये इस तरह से हम यूज करते हैं। हमारे पास इसके ऊपर एक आप समझ लें कि क्रेन है, क्रेन से जो है उसके साथ हमें ये पंप लगाया हुआ है, तो ये आपका पंप कर रही है। उसके अलावा हम इस तरह से ये स्लाइड्स भी यूज करते हैं, हमें फिक्स पता है कि यहाँ से हमने यहाँ तक जो है कंक्रीट को पोर करना है, तो हम इस तरह से बनी बनाई स्लाइड्स भी यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड होता है। अस्सलाम वालेकुम।